प्यारे श्रमिक भाइयों और बहनों, किसान देश का अन्नदाता है तो श्रमिक और कामगार देश का राष्ट्र निर्माता। हर देशवासी को असीम दर्द हुआ जब हजारों श्रमिक भाइयों और बहनों को सैकड़ों किलोमीटर भूखे प्यासे मजबूरी में पैदल घर वापस जाते देखा। मुझे मालूम है कि आज भी देश के अलग अलग कोनों में लाखों श्रमिक भाई और बहन मुश्किल में फंसे हैं, और कोरोना महामारी के इस समय में घर वापस जाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। साधन और पैसा तो दूर की बात है, पूरे राशन तक की व्यवस्था नहीं, और ना ही लॉकडाउन की इस घड़ी में काम का कोई इंतज़ाम। आए दिन जब देश के अलग अलग कोनों से उठ रही है हमारे श्रमिक भाइयों और बहनों की आवाज़ और पीड़ा को हम सब सुनते देखते हैं, तो लगता है कि यह आवाज़ परिवार के एक सदस्य की है, यह आवाज़ एक माँ की है, एक पति की है, एक बेटे की है, जो अपने बच्चों पत्नी माँ बाप तक पहुँचना चाहता है। इस पुकार ने सचमुच हम सबका दिल छुआ है। मुझे और हर साथी को यह देखकर और भी पीड़ा उठी होती है कि संकट की इस घड़ी में भारत सरकार व रेल मंत्रालय घर वापस लौटने के लिए रेल यात्रा का किराया और स्पेशल चार्ज वसूल रहे हैं। उम्मीद थी कि दाम में आए हजारों करोड़ रुपए पर पहला अधिकार हमारे राष्ट्र निर्माताओं का होगा, और इस पैसे का इस्तेमाल आप सबको सुरक्षित और निशुल्क रेल यात्रा के लिए सबसे पहले किया जाएगा। पीड़ा यह भी है कि ऐसा हुआ नहीं। ये विकट हालात देखकर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हर प्रदेश में ज़रूरतमंद श्रमिक भाइयों और बहनों के घर लौटने की रेल यात्रा का खर्च उठाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जल्दी से जल्दी अपने प्रियजनों के पास पहुँच पाएंगे। महात्मा गांधी ने कहा था कि खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को दूसरों की सेवा में खो दो। सेवा का यह संकल्प ही हमारे श्रमिक भाई और बहनों को उनके घर तक सुरक्षित वापस पहुंचाने की हमारी प्रेरणा है। इस कर्तव्य को हम मजबूती से निभाएंगे। जय हिंद।